हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे, आपका अपना खुद का हमारा चैनल जिसका नाम है अपनो अमनदीप। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे और अच्छे रहिएगा। अब आप सुन के शौक हो गए होंगे कि ये कौन सा नाम आ गया, तो ये हमारे चैनल का नया नाम है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो पे बताया था आप सबको, तो हमारे नए चैनल का नाम है आपको अपनो अमनदीप। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। आज है थर्सडे, अभी बज रहा है सुबह का 9:30। आज भी ऑफिस है लेकिन घर से काम कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा भी आई का इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट हाँ रेडनेस अभी तक गया नहीं है, तो इसलिए अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, तो ज़्यादा वैसा कुछ बनाने का नहीं रहेगा, बट हाँ जो भी होगा थोड़ा ही होगा, जितना भी होगा, बट मैं बनाऊँगा, ज़रूर से बनाऊँगा और आप सबको दिखाऊँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और अभी बजा जैसे कि मैंने बताया 9:30, तो अभी मैं नाश्ता पानी करूँगा, फिर नाश्ता वास्ता करके कुछ काम है, क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, जब निकलूँगा घर से तब बताऊँगा। फिर जल्दी करना क्योंकि टाइम नहीं है, फिर 11:30 मुझे लॉगिन भी करना है। तो चलिए करते जल्दी, फिर मिलते हैं। अभी तैयार हो चुके, अभी जा रहे बाहर जैसे कि मैंने बताया, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, 10:30 है। तो मुझे अभी पोस्ट ऑफिस जाना है राखी कूरियर लगाने, मम्मी ने दी है तो 2 कूरियर लगाना है, तो वही जा रहा हूँ। तो जल्दी से चलते बाइक पे, फिर आपसे मिलते। तो फिर अभी चल पड़े हैं पोस्ट ऑफिस क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। अभी जा रहे हैं हम पोस्ट ऑफिस राखी कुरियर करने के लिए। मम्मी के मेरे मम्मी के 2 भाई है, तो उनके लिए राखी कुरियर करना है। तो मम्मी ने सब दे दिया, मैंने सब सारे पैकिंग कर लिए, तो अभी वही जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस कुरियर करने के लिए। तो फिर चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे तो ये अभी उतना आइडिया नहीं कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है कहाँ, तो पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो एक बार बाइक को साइड लगाना होगा तभी मैं देख पाऊँगा। एक बार यहाँ पे छांव में साइड करते हैं और जल्दी से देखते हैं फ़ोन में कि कहाँ है पोस्ट ऑफिस। तो फिर हमारे गूगल जी तो यही बता रहे कि यहीं पे कहीं आसपास में है इंडिया पोस्ट ऑफिस, तो किधर है जल्दी जल्दी मिल जाओ। या अभी अब कहाँ पे है पता ही नहीं कहाँ है। ये कोई पब्लिक स्कूल है, MS पब्लिक स्कूल। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पे मुझे कोई पोस्ट ऑफिस दिख गया, ये रहा पोस्ट ऑफिस, ये रहा पोस्ट ऑफिस, राजनगर एक्सटेंशन पोस्ट ऑफिस। तो फिर चलो यहाँ गाड़ी लगाते हैं और जल्दी से कुरियर करके आते हैं। कुरियर करके आके हम आपसे मिलते हैं। अभी हो चुका है कुरियर का काम, लगा दिया मैंने कुरियर, एग्जैक्ट 11:00 रहा है। तो चलो चलते हैं जल्दी से घर क्योंकि फिर 9:30-11:00 लॉग इन करना है। यार बहुत धूप हो रही है, भगवान थोड़ी तो बारिश करवा दो, थोड़ा तो मौसम को ठंडा रखो, अगस्त का महीना चल रहा है। यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो रही है। अगस्त के फर्स्ट वीक तक मौसम अच्छा था, थोड़ी बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बट उसके बाद से लास्ट 2 वीक से तो इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बताए। और लग भी नहीं रहा है कि कोई बारिश होने वाली है अभी और 1 हफ्ते तक। ठीक है, आप क्या ही कर सकते, अब जो होगा सहनी पड़ेगी ये गर्मी। देखो यार ये गाड़ी रहो कितनी मॉन्स्टर लग रही है सामने से, ज़बरदस्त, बहुत सही ऑफ रोडिंग के लिए बनाया हुआ है। चलो चलते
यार ये इलाका जो है ना, ये राजनगर इलाका है, तो यहाँ पे ना आपको घर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घर भी दिखने मिलेंगे। मतलब मैं एक बार घूमा हुआ पहले इधर, तो बहुत अच्छे अच्छे घर दिखने मिलते हैं। अब यहाँ से लेफ्ट, क्या सोचा कुछ गन्ने का जूस वूस पीते हैं, कोई दुकान दिख नहीं रहा है, अगर कोई मिला तो पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे, घर जाके पानी पी लेंगे। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो जब ये फ्राइडे आने लगता है ना, तो एक मन में अलग से खुशी दौड़ती है कि हाँ यार फ्राइडे आ रहा है। उसके बाद सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी, फिर मौज। देखते हैं इस वीकेंड का क्या प्लान करते हैं, अभी तक तो कुछ प्लानिंग है नहीं। अगर कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही, कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे कहीं जाने का, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। अब मन कर रहा है गन्ने का जूस पीने का, तो सोच रहे थोड़ा इस तरफ जाके आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट एरिया हमारे बैक साइड का, तो शायद यहाँ पे गन्ने का जूस मिल सकता है, अगर मिलता है तो लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे मम्मी का भी एक सामान लेना है, तो वो भी लेंगे, और अगर जूस मिला तो लेके चलेंगे, तो मम्मी भी पी लेगी और मैं भी पी लूँगा। यार अकेले अकेले पीने से नहीं मन करता अकेले अकेले, मम्मी घर पे है तो। ऐसे मैं बहुत बार पहले भी करता हूँ कि कुछ भी अगर ऐसे पीना हो तो घर ले जाते हैं पैक करके, तो मम्मी भी पी लेते, मम्मी को भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे मिल रहा है गन्ने का रस, तो बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से दो काम करते और फिर चलते गन्ने का जूस लेते और घर जाके मम्मी के साथ बैठ के पियेंगे ठंडा ठंडा जूस। अभी हम यहाँ आ चुके हैं, मुझे पूजा का घी लेना है घर के लिए, तो वो ही लेते हैं। कल पूजा का वो घी चाहिए, कितना? ये वाला आधा किलो। हाँ तो फिर ले चुके हैं घी, अब जाते हैं गन्ने का जूस लेते हैं, जल्दी जल्दी घर जाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। इसको डालते हैं पहले बैग में, तो ये पूजा का घी लेना था मम्मी के लिए। ये मम्मी जो पूजा में हम लोग बाती, आप लोग भी बहुत जन जलाते हो रूई की, कॉटन का जो गोल गोल बाती होता है, तो उसको भिगोने के लिए घी चाहिए होता है, तो ये पूजा का घी नाम से आता है, तो वही लेते हैं हम लोग, तो वही लिए हैं। अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर, नहीं घर के पहले जूस लेना है, तो ताकि मम्मी को भी पिलाओ और हम भी पिए। तो कहाँ है जूस वाला? ये रहा जूस वाला, तो लेते हैं इनसे जूस। भैया बॉटल है क्या? कितना बॉटल? 50। एक बॉटल कर दो। नहीं नमक वमक मत डालो। हाँ यार ये मशीन बहुत सही है, यहाँ से डालो गन्ने और नीचे जूस बनता रहता है, तो इसमें नो टच नथिंग। ये भैया ने नींबू डाला और ये भी और एक गन्ना डाल रहे हैं। ये मशीन बहुत सही लगती है मुझे, क्योंकि इसमें ना कोई हैंड टच रहता है, कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी नल भी बनी हुई है, अगर आपको दिखेगा तो इस नल से निकलता होगा। भैया इसमें कितना ग्लास आ जाता है? इस बॉटल में दो ग्लास आ जाता है, आधा लीटर। अच्छा आधे लीटर की ये बॉटल है, ये देखिए नल से जूस निकल रहा है। तो फिर अभी गन्ने का जूस ले लिए, अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर। 11:15 बज रहा है और 15 मिनट बचा है, 15 मिनट में मुझे घर जाके लॉग इन भी करना है
और बहुत काम है ऑफिस का जो कंप्लीट करना है मुझे। अभी हम सोसाइटी के पास पहुंच गए हैं, यहाँ का रास्ता कब बनेगा कोई आइडिया नहीं है। देख रहे हो कितने बड़े बड़े गड्ढे होके रखे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं, लिफ्ट में आ गए हैं, अब ऊपर जा रहे हैं। ये दरवाजा क्लोज। और अभी हम घर पहुंच गए हैं और जैसे कि मैंने बताया अभी गन्ने का जूस लाया है तो पीते हैं मम्मी के साथ। ये रखो उधर टेबल पर रखो, या मुझे इसमें दे देना। बस 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 मैं पी के बताओ कैसा है। बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया। तो गाइस ये मेरी मम्मी है, अभी तक मैंने दिखाया नहीं, अब दिखा रहा आपको वीडियो में क्लियरली। मम्मी हाय बोलो सबको। हाय सबको, नमस्ते, आशीर्वाद। अब हम भी पीते हैं। मस्त बनाया, पुदीना पत्ता एकदम नींबू वींबू दे के बहुत मीठा है, बहुत स्वाद है। तो चलो पीते हैं, फिर इसके बाद लॉगिन करना है जल्दी, 11:30 बज रहा है। तो फिर लॉगिन करके आपसे मिलते हैं या फिर सीधा लंच पे आपसे मिलते हैं। और दोस्तों अभी बज रहा है दोपहर के 2:10, अभी करेंगे लंच। लंच टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा काम है। ड्यूरिंग द वर्क मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए जब भी जैसे टाइम मिलेगा, जैसा भी लंच टाइम मिला है तो जितना भी हो रहा है थोड़ा सा बना रहा हूँ। और फिर लंच के बाद वापस काम करना है, फिर काम करेंगे, फिर रात, फिर अगर शाम को 5-10 मिनट का भी अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ भी अगर होगा, नहीं होगा तो फिर सीधा रात को ही मिलेंगे। तो जैसा भी होगा ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे दिखाते रहेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि ये वीकडेज रहता, ऑफिस टाइम में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। हाँ बट जो भी होगा मैं मोस्टली वीकेंड के तो वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। तो चलो अभी लंच करते, बहुत ज़ोरों से भूख लग चुकी है। तो देखते हैं आज लंच में क्या बना है, जैसा जो भी लंच पे बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर अभी खाना आ चुका है, आइए आपको खाने का मेन्यू दिखाते हैं। ये बना है आज, ये रोटी, ये दाल और ये पापड़। तो पापड़ तो आई थिंक बहुत जनों का फेवरेट है, तो आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। तो चलिए फिर खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और दोस्तों अभी बज रहा है शाम का 7:03, और अभी जस्ट चाय पीने के लिए थोड़ा उठे, ना काम करके ना सर ऐसे भारी सा हो गया है। तो अभी थोड़ा चाय वाय पियेंगे और बस चाय पी के 5-10 मिनट के बस रेस्ट है, फिर दोबारा से काम पे लगना है। क्योंकि अभी 9 बजा, अभी 7 बजा है, तो अभी भी और 2 घंटे बचे हैं लॉग आउट के लिए, तो अभी भी काम है। और अभी आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं बाहर की तरफ बालकनी से कि कैसा लग रहा है। तो क्योंकि अभी सुबह से तो धूप ही है, मौसम गर्मी है चिपचिपी वाली, बट शाम को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि धूप डल जाता है और शाम को थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। लेकिन हवा नहीं चल रही, इतनी हल्की फुल्की हवा चल रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए मौसम कोई वैसा खास नहीं, बस हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है शाम के वक्त गाड़ियाँ दौड़ते हुए। ये हमारे घर के सामने मॉल है, KW Delhi 6 मॉल, और ये सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। बस यही है मौसम का हाल। तो फिर चलिए अभी चाय पीते हैं, फिर चाय पीने के बाद फिर काम पे लगेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। जैसे ही होगा ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिस के साथ साथ हमें व्लॉग भी बनाना होता है, तो दोनों मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है। तो चलो चाय वाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और भाइयों अभी बज रहा है 8:40, बस अब कुछ देर में लॉग आउट करना है। काम ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब अब कल ही करेंगे, और कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे की एक अलग ही खुशी होती है, आई थिंक आप सबको भी होती है। तो जिसको जिसको फ्राइडे की खुशी होती है वो लोग भी एक ज़रूर से कमेंट करें कि फ्राइडे जब आता है, जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, कोई भी तरह का जॉब करते हैं, तो कैसा लगता है जब फ्राइडे आता है। तो फ्राइडे आना मतलब एक अलग ही माहौल रहता है। और ठीक है आज का दिन अच्छा था, काम था, बस दिन भर काम किए,
कुछ देर आपके साथ मिले, आपको मोटो ब्लॉग दिखाए, कुरियर करने गए, बस यही था दिन भर में। अब और कुछ है नहीं, अब रात को खाना खाएंगे और उसके बाद मैं फिर वीडियो एडिट करूँगा, ताकि वीडियो एडिट करके सुबह सुबह फिर लगा दूँ, अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, फिर ताकि आप लोग वीडियो मेरा ये वाला वीडियो आप देख सके। तो फिर चलिए इस वीडियो को मैं आज यहीं एंड करता हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए जितना हो सके, क्योंकि मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला के दिखाऊँ। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी एक अंदर से और बूस्ट मिलेगा कि हाँ मन और बनाना है, और बनाना है हमारे फैमिली के लिए, हमारे फैमिली को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, एंड थैंक यू जो लोग सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू है। तो फिर चलिए आज वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और भाई को सपोर्ट करिए। तो फिर भाई मानो, दोस्त मानो, जो भी मानो सपोर्ट करिए। चलिए फिर मेरे सारे बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को हेलो है, बाय।